हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ माधव की रसोई में। तो आज मैं गर्मियों में ठंडा ठंडा कोलपुर, जो गांव में चुस्कियाँ मिलती हैं ना, ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की और ब्लैक कलर की, तो वो देखो हम बनाएंगे इन टॉफियों से। तो चलो हम टॉफियों से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे इनसे चुस्की बना सकते हैं। तो आपको गाँव की याद आ जाएगी खाते। तो चलो बनाते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, ये एक ब्लैक है, एक ये हमारे ऑरेंज है, तो इनको हम पहले निकाल लेंगे अलग और इसको हम धीरे से ऐसे मोड़ेंगे और इसको चूरा बनाएंगे। बेलन से आप धीरे धीरे इनको चूरा कर लें, आसानी से इनका चूरा हो जाता है। और हमने इसका चूरा कर लिया, देखो इतना सारा हमारे पास में ये चूरा हो गया। मोटा भी है तो कोई बात नहीं है, ये आसानी से घुलने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे, ये हमारे पास है पतीला, छोटा सा भगोना। तो इसमें हम डालेंगे पानी। पानी कितना डालेंगे हम इसमें, हम आधा लीटर इसके अंदर पानी करेंगे। ये हमारा आधा लीटर पानी है, तो हम इस पानी को गैस के ऊपर रख देंगे। और पानी रख दिया और इसके नीचे हम चला देंगे गैस को। गैस को चालू कर दिया और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप हिसाब से डालें, जितनी आपके पास टॉफियां हैं। तो अगर आप बनाते हो घर पे, एक बार जरूर ट्राई करें, बिल्कुल आपको वही टेस्ट मिलेगा जैसे गांव में खाते थे और आज भी गांव में मिलती हैं। तो उसके लिए हमें चीनी का पूरा नाप रखना पड़ेगा कि ये हमें जितनी हमारी टॉफियां होंगी, जितनी टॉफी हैं उस हिसाब से हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो हमने इसको एक कप चीनी इसमें ऐड कर देंगे, एक से दूसरा चीनी नहीं डालेंगे दूसरी बार, और एक कप चीनी के अलावा दोबारा चीनी इसमें नहीं जाएगी। अब हम इसको अच्छे से घोलेंगे चीनी को, हमारी चीनी घुल जाएगी। जब तक हम क्या करते हैं कि इनको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं टॉफियों को। हमने इन टॉफियों को इस बाउल में निकाल लिया है और ये टॉफी जो काली वाली है इनको भी हम ऐसे ही इस बेलन से इसका चूरा बना लेंगे। अब हमारी चीनी इसके अंदर घुल गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम जो हमारे पास टॉफियां हैं उनको हम इसमें मिक्स कर देंगे, सारी टॉफियों को मिक्स कर देंगे और इनको हम चलाते हुए इसको पकाएंगे, क्योंकि ये हमारी चीनी और ये टॉफी चिपक ना जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आराम से चलाते रहना है। जैसे हम चलाते रहेंगे ये टॉफियां सब घुल जाएंगी, एक जगह इकट्ठी नहीं होंगी, जमेंगी नहीं, लगेंगी नहीं नीचे। तो आपको लगता है लग रही है, तो थोड़ा सा गैस को कम कर लेंगे। बहुत टेस्टी और सुपर हिट, बिल्कुल लाजवाब आपकी टॉफी चुस्की बन के तैयार होगी। तो ये देखो फ्रेंड्स, हमारा ये ऑरेंज जो पानी हमने रखा था उबालने के लिए, उसमें हमने टॉफियां भी डाल दी, चीनी भी डाल दी अपने हिसाब से। बस इसको टॉफी डालने के बाद में, चीनी डालने के बाद में इसको 5 मिनट या से ज़्यादा, हद से ज़्यादा 10 मिनट, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको नीचे उतार के ठंडा करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कलर कम है तो थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं। अगर आपके पास टॉफियां कलर अच्छा दे रही हैं तो उसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बन गया चुस्की बनाने का सीरम। तो अब हम इसको उतार लेंगे और दोबारा से फिर वही प्रोसेस करेंगे जो हमने इसके साथ किया है। इसमें भी हम काली वाली, जो ब्लैक वाली बनाएंगे, उसके लिए भी हम डालेंगे इसमें पानी। इसमें मैं थोड़ा सा कम बनाऊंगी, इसमें भी मैं ऐसे ही इसको उबालने रखूंगी पानी को,
जो हम दूसरी ब्लैक वाली बनाएंगे उसके लिए भी हमने पानी रख दिया है, और इसमें मैं ये चीनी डाल रही हूँ। तो ये थोड़ी सी कम है चीनी, क्योंकि पानी भी कम है चीनी भी कम है, इसके लिए इसमें मैंने एक आध थोड़ा सा कम डाल दिया इसमें चीनी। और अब हम इसको भी चला लेंगे। इसको भी घुलने देंगे। इसमें भी हमारी चीनी घुल चुकी है, तो जो हमने टॉफियों को पीस के रखा था तो उसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। देखो हम टॉफियों को इसमें मिक्स कर दें। ये हमारी टॉफियां इसमें तैयार हो रही हैं घुल के। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो ब्लैक वाला था ये भी हमारा उबल के तैयार हो गया। बस हमें इतना ही पकाना है इसको। इसको भी मैं उतार के रख लूँगी नीचे ठंडा करने के बाद में। फिर इसको ठंडा करके आइस जमाएंगे। जो हमारा ये जो सीरम है ये हमारा ठंडा हो चुका है, तो ये सीरम इसके अंदर मैं डाल के और रख दूँगी। तो हम इसमें सीरम को डालते हैं। पहले हम थोड़ा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सारों में डाल देंगे। और जो हमारे पास ब्लैक वाला है उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने थोड़ा थोड़ा नहीं डाला है, मैंने सारा ही इसमें भर दिया है जितना आ रहा है। ये हमारा पूरा हो गया। और थोड़ा सा हमारा ऑरेंज वाला हमारा बचा हुआ, तो उसको मैं क्या करूँगी, एक जो होते हैं ना कागज़ के कप उनके अंदर रख दूँगी। और अब मैं इसको फॉइल से ढक दूँगी। इसको फॉइल से मैं कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद मैं इसको 2 घंटे के बाद में मैं इसको खोल के देखूंगी, और इसके अंदर जो स्टिक होती है आइस वो मैं इसके लगा दूँ। तो ये हमारी आइसक्रीम है, चुस्की आइसक्रीम, चुस्की जो होती है ना वो वाली है। तो चलो फ्रेंड्स, इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ। ये जो हमारे पास आइसक्रीम उस बची हुई थी तो ये हमने इसमें सेट कर दिया है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारी जो आइसक्रीम है ये कितनी अच्छे से और इजीली जम के तैयार हुई है। ये देखो चुस्की, ये देखो कितनी अच्छे से ये चुस्की जम के तैयार हुई है। तो इसको हम रखेंगे प्लेट में। और ये वाली भी, ये देखो ये जो कैंडी होती है उसकी है ये। ये देखो मैंने कोई कलर नहीं डाला इसके अंदर, लेकिन ये बहुत अच्छे से जम के तैयार हुई है। तो आप भी अपने घर पर अपने बच्चों के लिए गांव वाली यादें ताज़ा कर सकते हैं। तो ये देखो हमारी सारी चुस्की बहुत अच्छे से और बहुत टेस्टी भी है। मैंने इसको थोड़ा सा गिलास के अंदर भी जमा के खाई है ना, बहुत टेस्टी लग रही है, गांव की याद आ गई। तो ये देखो फ्रेंड्स हमारी चुस्कियाँ, तो ये कैसी लगी हमारी चुस्की, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखो फ्रेंड्स, खाते हैं ना अपने गांव में। तो और ये देखो दो तरह की मैंने ये चुस्की बनाई है। अपने खाते थे, बहुत खाते थे गांव के अंदर, और वही टेस्ट है, वही सब कुछ है इसके अंदर। तो आप भी अपनी ऐसे ही चुस्कियां बनाएं और अपने बच्चों को इंजॉय करें। इसी के साथ सबको राधे राधे।